फाइनली आफ्टर लॉन्ग डिले ऑफ हाफ एन आवर वी आर इनसाइड ये हॉलिस्टर का. सो गाइस लुक, यू हैव सम ऑप्शंस लाइक दिस पफ जैकेट जिसमें 40% सेल लगी हुई है. पर उन्हें भी हुडी नहीं मिल रही है तो तुहाडे वीर नु पसंद एक चीज आ गई है. देखो हाउज इट मैन. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल समर रोवर. तो किद्दा गाइस, वेलकम. किद्दा फिर सारे, बहुत दिन बाद जा रहे हैं यार बहुत ही इनिशियल और बहुत ही जरूरी चीज की शॉपिंग करने. क्या भाई वो है? इसकी बॉक्सिंग कर रहे. आज बॉक्सिंग डे है यार. बॉक्सिंग तो ये बंदा मजा आज बॉक्सिंग डे में क्या होता है, बहुत कुछ सेल में होता है. राइट जी जी जी. तो हम लोग आज जा रहे कि दोनों के ऑफ हैं, क्रिसमस कल था तो आज संडे भी है तो हम लोग जा रहे हैं विंटर जैकेट लेने. थोड़ी विंटर शॉपिंग देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि यार यहाँ की चीज़ें देख. आप अभी सोच रहे हो यार इनको इनके बड़े पैसे बढ़ रहे हैं, दोनों ने विंटर जैकेट पहने हुए फिर भी क्या लेना है. बट नहीं यार, यहाँ की विंटर जैकेट थोड़ी डिफरेंट होती है, रुकती है, गर्म नहीं. ये -4 के लिए है. ये जो हमने दोनों ने देखो सेम वाइल्ड क्राफ्ट वाली पहनी हुई है, ये -4 के लिए. हम जा रहे हैं -20, -30, -40 वैसे ही होते हैं ना जैकेट. हाँ वैसे ही होते हैं, बट बेस्ट रहेगा कि जितना मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी डिपेंड करता है. तो हम आज देखेंगे यार, आपको ब्रांड बताते हैं और कौन कौन. वैसे हम हमारी प्लान है भाई कौन से ब्रांड. हॉलिस्टर हॉलिस्टर जैक एंड जोन्स बोला है गुन्नू ने. जैक एंड जोन्स हॉलिस्टर कैनेडा गूस. कैनेडा वो ज्यादा महंगा हो जाएगा भाई, वो $1,000-$2,000 मिनिमल है. और देखो हमारी धनुरानी भी रेडी है, गर्म हो रही है. विंटर टायर लगे हुए हैं, धनुरानी के विंटर टायर लगे हुए हैं. और आप लोगों को ये आप सोच रहे हो भाई इनके पेट्रोल बहुत ज्यादा इनके पास है क्या, तो ऐसा नहीं है. यहाँ इतना ठंड होती है तो आपको निकलने से थोड़ी देर पहले आपको गाड़ी को ऑन छोड़ना होता है, थोड़ा गर्म करना होता है, गर्म हो जाए. बहुत गर्मी चढ़ा हुआ है. तो चलो चलते हैं ऑन द वे शॉर्ट्स, एंजॉय करो. और कौन से मॉल जा रहे हैं हम लोग वैसे अभी? योर्कडेल, इटोबिको, शेरवे गार्डन जा रहे हैं. राइट, एंड इट्स इन इटोबिको. सो लेट्स गो. आओगे गाइस व्लॉग पे लेफ्ट आइए. सो गाइस आ चुके हैं मॉल में, हमारी आ चुकी है लेफ्ट. मॉल जाए अरे जाना किधर है, कहां है अब बात ये. अब जाना किधर है? एम पे एम दबाइए, अब दो दो दबाइए. एमपी सर देखा है, जो जो अच्छा लगे उसी पे. नहीं अच्छा तो बहुत कुछ लगता है लेकिन ले सब कुछ नहीं ना. ओ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं नहीं सुके सुके सुके. चलो क्रिसमस टाइम इसलिए इधर चल जाएंगे गाड़ी पे, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हुआ है गाइस. और वी आर फाइनली इन द मॉल. बहुत दिनों के यू नो सेमेस्टर आपका भाई फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुका है तो बधाई दे दो आपके भाई की आ गए 3.8 GPA. अगर पता हो इधर का एजुकेशन सिस्टम तो 3.8 GPA आ चुके हैं. और ये देखो पीछे मॉल, हमारे दोनों भाई साथ में जाते हैं शॉपिंग करते हैं. आपको भी दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे गियर ले सकते हो, क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए अगर विंटर शॉपिंग करो तो. हम जी हम लोग तो घूम रहे हैं मॉल में बट हमें हमारे हॉलिस्टर का ब्रांड ही नहीं मिल रहा भाई. गुची ज़ारा मिल रहे हैं लेवाइस. हॉलिस्टर मिल गया हॉलिस्टर. ओ नो वेज, अबे हैवी लाइन लगा हुआ है भाई. भाई जी लाइन देखो, बस लाइन देखो पीछे तक. और की चले जावे लाइन च लगना है श्रवण, गुरु भाई लाइन लग लेने. देखो जी बॉक्सिंग डे दी लाइन, दिस इज फॉर होलिस्टर.
ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਫੋਰ ਐਪਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੀਰ ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਪਸ ਰਾਲ ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਡਿਲੇ ਆਫ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨਸਾਈਡ ਇਹ ਹੋਲੀਸਟਰ ਕਾ ਆਊਟਲੈਟ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਣਾ सो गाइस यू हैव सम ऑप्शंस लाइक दिस पफ जैकेट जिसमें 40% सेल लगी हुई है तो होलिएस्टर प्राइस टैग 30 में आप अपने हिसाब से देख लो भाई आप जहाँ के हो यू हैव सम ग्रीन यू नो हमने ये ब्लैक देखी बट इट डिडंट वर्क आउट मैन और वाइट तो देखो लोग वाइट लेते नहीं इसलिए वाइट भरे पड़े हैं सो लाइक बेसिकली यहाँ पे पोलिस्टर में कलेक्शन एकदम बॉक्सिंग में मिलता है लोग टूट पड़े हैं तो लोगों ने एक सब ख़त्म ही कर दिया यार सो वी आर ऑप्टिंग फॉर यू नो किसी और आउटलेट पे जाते हैं जाके जो जब ने बोला था आपको और देखते हैं बॉक्सिंग डे यार लोग यहाँ पर सुबह सुबह लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं हम बहुत लेट आए दोपहर में अरे यहाँ पे तो यार देखो यार हमेशा ही होता है हम लोग आए थे यार विंटर जैकेट लेने के लिए बट सुन दिखा भाई इतने सारे कपड़े अपने आके अरुण प्लाज़ा में आके ले लिए उधर भी इधर हमारा भाई है देख उधर तीनों ने एक से एक अभी तक हमने जैकेट नहीं ली है एक जगह देखिए होलिस्टर में वहाँ पे कलेक्शन नहीं था जो मैंने आपको बताया तुम्हारा मूड ही ऑफ हो गया हम आ गए थे अब कुछ तो लेना है राज राज के लिए लगता है पर पर्सन $100 का बिल बना रहे हैं यहीं पर अब जैकेट का पता नहीं है अभी जैकेट ढूंढने के बाद जाएंगे हम लोग सो गाइज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी हडसन बे की होलिस्टर में दुखद तरीके से मिला नहीं हमें हमारी जैक एंड जोन्स की यहाँ पे है ही नहीं आउटलेट सो वी आर गोइंग इन होप सर यहाँ मिल जाए क्योंकि हम हमारे जैसे अच्छे हैं ना हमने बहुत कुछ और खरीद लेना है जैकेट को छोड़कर यार उन्हें भी हुडी नहीं मिल रही है तो तुहाडे वीर नूं पसंद एक चीज़ आ गई है देखो हाउज इट मैन कॉलिन क्लेन सेल है भाई $95 में मिल जाएगी ये टेल मी हाउ इज लुकिंग दोस्तों ये कमेंट सेक्शन बताओ अगर अच्छी लगी तो ले लूँगा हडसन में देख रहे हैं और इसमें यार सबसे दुख की बात ये है प्राइस नहीं दिख दिया हुआ है तो कमेंट सेक्शन बताओ हमें अच्छा लग रहा है श्रवण इज बिहाइंड द लेंस कैसा लग रहा है भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है टॉमी निकाल के भाई ने दिया है हाँ टॉमी का कपड़ा भी अच्छा लग रहा है यार लुक्स भी अच्छे हैं विंटर के लिए भी अच्छा काफ़ी अच्छा मैनेजेबल है तो आई थिंक इट्स गुड देख रहे हैं शॉपिंग मेरी करना आंदे हैं बंदे ये ब्लॉग आप थोड़ा लेट देखोगे क्योंकि इससे पहले आप टोरंटो ब्लॉग देखेंगे सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो जैसे मैं आपको बताता हूँ यार तेज जैकेट्स की चीज़ होती है ना -30 -20 ऐसे ही आपको रेंज पे लेना होता है क्योंकि ठंड बर्दाश्त होकर आप ले रहे हो ठीक है तो यस ऑफरिंग बर्थडे की आई होप यू लाइक द ब्लॉग इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लो यार ऐसे मतलब ब्लॉग मिलते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लीज़ आउट ऐसे मतलब ब्लॉग मिलता है
सो जी, एज यू सॉ, मैंने टॉमी हिलफिगर वाली ये विंटर जैकेट खरीद ली जी। और ये बॉक्सिंग डे की आप सोचो भाई सेल क्या नेक्स्ट लेवल होती है। ये कुछ $320-$350 की थी, जो मुझे $170 आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल मुझे पड़ गई। दैट्स अ बम्पर थिंग। और ये जो अरुण प्लांट की आप देख रहे हो यार, मुझे कुछ $64-$70 के लगभग ये सारे कपड़े मिल गए। और यार ये कैल्विन क्लेन वाली जो विंटर है ना, आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग इट। तो मैंने भाई सोचा कमा लेंगे पैसे कोई नहीं। तो ये थी कुछ यार $120 ऐसे की इसका ओरिजिनल प्राइस, राइट। तो ये मुझे बॉक्सिंग डे के सेल में कुछ $64-$58 ऐसे की पड़ी मेरे को। कौन सा एडिशन है भाई ये? 1973 है ना। पोज दे भाई एक कैट जा, क्या बात है, फोटो तो खींच नहीं रहे हो होने ब्लॉग बनूंगा